यहाँ पे हम कर रहे हैं गंगा जी का स्नान और अपने पाप धो रहे हैं दर्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरा हरिद्वार में सेकंड डे है और कल तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा इधर उधर भगते रहे और जो है बहुत सारा कुछ टेस्ट किया, साथ में खाया पिया। तो अभी आज सेकंड डे है तो आज भी मैं कहीं हरिद्वार में कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने जाऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के जो है 7:30 और जल्दी जल्दी अब तैयार होकर निकलता हूँ। चलते हैं मंजीत भाई को जगाने के लिए और ये है इनका रूम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं अभी आप ही को उठाने आ रहा था। तो तैयार हो जाओ फिर जल्दी से, जल्दी चलते हैं, थक गए थे रात को, आज ही अभी खुली। अच्छा अच्छा, बढ़िया है भाई। आ गए हूँ अपने रूम से बाहर और मंजीत भाई चले गए हैं मार्केट, तो मैं अभी जा रहा हूँ कुछ नाश्ता वगैरह करने, आगे लोकल मार्केट को सर्च करने, और चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या खाने को मिलता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ एक्चुअली, यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे चल के ना ऋषिकुल चौक है और वहीं पे मेरा जो होटल है, मैं वहाँ से जस्ट निकला था और मैंने ये कुछ दुकानें देखी और यहाँ पे मेरे को मिले हैं एक अंकल आंटी जो घर जैसा खाना देते हैं 50 रुपीज़ में, वो भी अनलिमिटेड। आंटी जी जो है ना सुबह 8 बजे आती है यहाँ पे और रात को 11 बजे तक जो है ये हाथ से बनी हुई जो है तवे की रोटियाँ देते हैं और साथ में जो है यहाँ पे सब्जी होती है, 3 तरह की, चावल होता है, दाल होता है और साथ में जो है ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ जाता है। ये है गणेश भोजनालय जहाँ पे अभी मैं ये नाश्ता कर रहा हूँ आज सुबह का। ये हमारी थाली लगाई गई है और अब इसमें ना चावल जो है ऐड किए जाएंगे और इसमें मेरे को मिली है सब्जी, चने की दाल और साथ में जो है पिंडी छोला और 2 रोटी घर जैसी बनी हुई और साथ में प्याज है और ये मिर्ची का अचार 50 रुपीज़ में। मतलब जो है अगर आप इधर आते हैं ऋषिकुल चौक के पास में गणेश भोजनालय में आकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये गणेश भोजनालय है, कितने टाइम से है आपका ये? अभी 2014 से लगाते हैं। 2014 से? हाँ जी, 2014 से आप ये लगा रहे हैं। तो ये आपका मेन्यू क्या रहेगा? इसका 50 रुपये होता है हमारा, 3 सब्जी होती है, सलाद होती है, अचार होती है, 5 रोटी, हाफ चावल। ओके, मतलब ये भर पेट खाना जो है 50 रुपये में है और दोपहर में और रात में दोनों सब्जी अलग अलग होती है, दोपहर की अलग होगी, शाम की अलग होगी। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे अभी जो है फूड टेस्ट किया था, मतलब जो है ना आंटी जी के हाथ की थाली जो है टेस्ट की थी, तो मेरे को वाकई में बहुत बढ़िया लगा। मैं आप लोग सब मिलके जो है ना आंटी अंकल को सपोर्ट करें ताकि जो है ना इनकी लिविंग जो है ना थोड़ी सुधर जाए और अच्छा इनका जो है होटल चलता रहे। ये गंगा जी का जो है एक सीक्रेट घाट है जो हरिद्वार से निकल के थोड़ा सा मतलब 5-7 किलोमीटर आगे जाके आता है और भारत माता मंदिर है यहाँ पे, उससे भी थोड़ा सा जो है ना आगे चल के ये देखिए कितना अच्छा पानी है गंगा जी का बहता हुआ और खुला घाट है और काफ़ी तेज़ है, मतलब आज जो है ना बहाव गंगा जी का। तो आप वो पीछे की तरफ देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पहाड़ और वहाँ पर ना बादल गिरे हुए हैं पहाड़ों पर और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे सामने देख रहे हैं वो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ना पहले पानी काफ़ी तेज़ था, अब जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ है तो ये देखिए कितने सारे जो है श्रद्धालु यहाँ पे आके जो है ना गंगा स्नान कर रहे हैं। और पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो ना वो आप पीछे सारी की सारी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं जिन पे जो है ना अभी ये देखिए ये पीछे सारी की सारी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं जिन पे अभी बादल गिरे हुए हैं। लो जी, हम भी नहाने के लिए पहुंच गए हैं घाट पे और यहाँ हमारे राहुल भाई पहले से नहा रहे हैं, लो देखो इन्हें भी। तो फ्रेंड्स मैं गंगा मैया में अभी यहाँ पे स्नान कर रहा हूँ और मैं सप्तऋषि घाट पे हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जो है लाइक जरूर करना। और ये मेरे साथ ना कल डे 1 में मंजीत भाई थे और अभी भी जो है ना मंजीत भाई देखिए वहाँ पे ना तैयारी कर रहे हैं अभी नहाने की। और ये एक ना हरिद्वार की हर की पौड़ी से थोड़ा हटके है ये और बहुत अच्छा घाट है। अभी जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ घाट पे और कोई नहीं है, सब बोल रहे हैं भाव तेज है तो कोई नहीं नहाएगा, हम तो आई गए। हाँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं गंगा जी का स्नान और अपने पाप धो रहे हैं दर्शन। और
हमें यहाँ पे लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया होगा नहाते हुए, और यहाँ पे वाकई बहुत मजा आ रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर और नहाएंगे और फिर उसके बाद रिलैक्स हो गए, फिर अपना लंच करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे हम इसके बाद। हरिद्वार का एक और जो है प्रमुख मंदिर जो बोला जाता है भारत माता मंदिर, इसके जो है ना सात चरण है, सात तल है, और सात तलों में अलग अलग मंदिर है। सबसे पहले आता है सूर्य मंदिर, फिर आता है मातृ मंदिर, फिर आता है संत मंदिर, फिर सत्संग हाल चौथे फ्लोर पे, और पांचवे पे है आपका शक्ति मंदिर, छठे पे है विष्णु मंदिर, और सातवें पे है आपका शिव मंदिर। तो ये सात मंजिल का जो है ये मंदिर है जिसे भारत माता मंदिर बोलते हैं, और इसकी भी एक अपनी महिमा है। ये अभी हाल फिलहाल में ही बना है कुछ साल पहले, और बहुत अच्छा है, एक पर्यटक स्थल है। हरिद्वार से 5-6 किलोमीटर आगे चल के देहरादून वाले जो है हाईवे पे, तो यहाँ पे भी बहुत सैलानी आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, जिसकी अलग ही मान्यता है यहाँ पे। और यहाँ का 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक का समय है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 8 बजे से 7 बजे तक का समय है। तो ये भारत माता मंदिर के सामने ना कुछ दुकानें हैं जहाँ पे है काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये मंदिर के जो है ना सामग्री, और ये जो है देख रहे हैं गीता प्रेस की एक और शॉप, सेम ऐसी जो है शॉप दिल्ली में भी है, वो है नई सड़क पर। और यहाँ पे हरिद्वार में तो इनका जो है ना मेन ऑफिस है गीता प्रेस वालों का। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं चाय ऑफ वासेपुर, मैं हूँ अभी रानीपुर मोड़ के एकदम सामने गोविंदपुर हरिद्वार में, और यहाँ पे मेरे को ये ना छोटा सा कैफ़े पता चला है, मेरी एक फ्रेंड ने जो है ये रिकमेंड किया है, ये है चाय ऑफ वासेपुर। तो जैसे ही आप यहाँ एंट्री करते हैं तो ये एक काउंटर है, और काउंटर पे यहाँ पे मिलेंगे मिस्टर अभय जो यहाँ के जो है ना करता धरता ऑनर है, और पीछे है किचन एरिया। तो चलिए अभी हम वहीं चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है स्पेशल जो है यहाँ पे चाय ऑफ वासेपुर में क्या है। तो अभय वेलकम टू फूड लवर राहुल, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे जो है स्पेशल सिग्नेचर डिशेज यहाँ पे है क्या? हमारी सिग्नेचर डिश सैंडविचेस, बर्गर है, देन चाय तो हमारी है। अच्छा, तो चाय में मैंने सुना कि आप 8-9 फ्लेवर जो है डिफरेंट, टोटल 10 फ्लेवर के आसपास चाय है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं रेगुलर क्लासिक। तो यहाँ पे ना पीछे मेन्यू है, और मेन्यू में ना काफ़ी रीजनेबल मेन्यू लगा मेरे को, क्योंकि जो है काफ़ी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे प्राइस में जो है ना यहाँ मिलती है, और एक वाइड वराइटी है, एक बड़ी अच्छी सी वराइटी है जिसमें कि आपके सैंडविचेज हैं, बर्गर है, स्नैक्स हैं, और साथ में जो है मैगी और हॉट कॉफ़ी और शेक्स काफ़ी कुछ है यहाँ पे, मॉकटेल और लस्सी भी है। तो अभय जी चले हैं पीछे किचन एरिया में। हमने साथ में स्टार्ट किया था 2020 में। अच्छा, 2020 में जो है ये कैफ़े स्टार्ट हुआ था, और अभी जस्ट 2 साल ही हुए हैं, और 2 साल में इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है ना यहाँ पे हरिद्वार में काफ़ी अच्छी अपनी जो है रेलवे स्टेशन पर भी लगा। अच्छा, इसका एक और आउटलेट है जो रेलवे स्टेशन पर है, दूसरा जो है रुड़की पे, और तीसरा है यहाँ पे, ये फर्स्ट है एक्चुअली, यहीं से जो है शुरुआत हुई थी चाय और वासेपुर की। तो चलिए चलते हैं किचन एरिया में। किचन एरिया है ये भी काफ़ी साफ सुथरा है, और काफ़ी चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक ढंग से लगाया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे चाय ऑफ वासेपुर की जो है हेड शेफ है मिस सोनाली, आप हमारे लिए आज क्या बनाने वाले हैं? मैं आपके लिए स्पेशल सैंडविच बनाने वाली हूँ। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले मेयोनीज की तीनों ब्रेड में लेयर लगानी है। ये स्पेशल सैंडविच ब्रेड है, ये सबसे पहले हम मखनी ग्रेवी लगाएंगे। एक में तंदूरी सॉस जी, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाएं क्योंकि खट्टा कर देता है। लास्ट में लगाएंगे ग्रीन चटनी। ये धनिया पुदीने की चटनी है या कुछ और? ये धनिया और हरी मिर्च एंड पीनट, इसमें पत्ता गोभी, कैप्सिकम एंड गाजर, कैरेट, कैप्सिकम एंड कैबेज है। इसके ऊपर हम स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। स्वीट कॉर्न की स्टफिंग हो रही है यहाँ पे अभी। फिर इसके ऊपर हम स्टफिंग करेंगे।
और इसके ऊपर हम पनीर ऐड कर देंगे। फिर से हम चीज की ड्रेसिंग करेंगे। ये 2 से 3 मिनट में रेडी हो गया। अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। काफी हॉट हॉट है। तो ये जो है सैंडविचेस की ड्रेसिंग हो रही है अभी, और इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो। अभी बिल्कुल रेडी है हमारा सेकंड सैंडविच है, जो चॉकलेट सैंडविच है। ये हमारे यहाँ का सबसे स्पेशल सैंडविच है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले चोको सिरप, पहले 2 ब्रेड लेने हैं, उसके लिए चोको सिरप। इसमें दोनों तरफ चॉकलेट की लेयर लगेगी। ये 2 लेयर का सैंडविच है और इसमें ब्लैक चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट से ये बनेगा। इसमें अब जो स्टफिंग होगी वो व्हाइट चॉकलेट से होगी। अब हम इसमें व्हाइट चॉकलेट एंड ब्लैक चॉकलेट की स्टफिंग करेंगे। अब हम इसमें फिर से डार्क चॉकलेट की ड्रेसिंग करेंगे। पैक हो गया और अब इसके बाद रेडी होने जाएगा और ये गया ग्रिल में। अब ये रेडी हो गया है, अब हम इसे कट करेंगे। ये है हमारे साथ मिस्टर अबे और ये जो है ना चाय और जो है सैंडविच में इन्होंने फूड फ्यूजन किया है और ये इन्वेंट किया है। यहाँ पे हमारा क्लब सैंडविच और साथ में यहाँ पे चॉकलेट सैंडविच जो कि मतलब एक यहाँ की सिग्नेचर डिश है। मैंगो शेक तो आपने सुना होगा पर ये मैंगो चाय है, मतलब चाय में भी मैंगो का फ्लेवर और साथ में एक नई इन्वेंशन फूड फ्यूजन चाय फ्यूजन किया है इन्होंने। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्लेवर आता है मैंगो का, चॉकलेट सैंडविच और ये देखिए फुल ऑफ डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट के साथ है। क्लब सैंडविच जो है ना जरूर टेस्ट करूँगा, जो 3 लेयर सैंडविच है और इसमें बहुत सारी वेजीज और कॉर्नस हैं, कितना सारा चीज़ वगैरह ऊपर डाल के मज़ेदार है, दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। चाय मुजफ्फरपुर में आना तो बनता है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जो है ना मैंने हरिद्वार में यहाँ पे देखा है, ये फूड जॉइंट है चाय पॉइंट है। अगर आप हरिद्वार में आते हैं किसी भी पर्पज़ से तो चाय और मुजफ्फरपुर में आना तो बनता है। आप मेरे को एक बार लोकेशन और टाइमिंग बता दीजिएगा यहाँ की। ये नियर रानी घाट के सामने है और अराउंड मॉर्निंग में 8 AM से इवनिंग में 11 PM तक हम रहते हैं और सेकेंड आउटलेट रेलवे स्टेशन के पास है, वो अराउंड मॉर्निंग में 6 बजे से शाम को रात को 1 या 1.5 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ हम फूड लवर राहुल के साथ भी बैठे हैं जिन्होंने सब टेस्ट करके बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे चाय ठेका है ये जो हरिद्वार में, वन फूड मतलब एक बार आके जो है यहाँ पे विजिट करना तो बनता है। और फ्रेंड्स रियली मतलब इतना अच्छा कुछ जो है ना, मतलब साफ सफाई के साथ साथ जो है एक वैल्यू फॉर मनी और एक मास वैरायटी ऑफ मेन्यू, मतलब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अभय जी का जिन्होंने हमारे को यहाँ पे इन्वाइट किया और इतनी टेस्टी जो है ना सैंडविचेस और जो शेक्स वगैरह ट्राई किए। और आपका भी थैंक यू सो मच, जो अपना कीमती समय निकाल के आप आए हैं। और यहाँ के ओनर ने हमें एक बात कही है, जो भी हमारे चैनल का रेफरेंस दे के आएगा उसे अलग से ये डिस्काउंट देंगे यहाँ पे। 100% तो इसलिए हम आपको कहेंगे यहाँ पे जरूर आके एक बार टेस्ट करो और यहाँ का बहुत ही 50% ऑफ बताओ 50% ये बहुत ज़्यादा है। हाँ यहाँ के टेस्टी सैंडविचेस बहुत ही टेस्टी हैं जरूर, और शेक ब्लैक करंट वाला जरूर पीना, बहुत बढ़िया है। अब मैं आ गया हूँ वापस से जो है रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, और मेरे साथ जो है ना मेरे को सी ऑफ करने आया मंजीत भाई। दिल्ली से बड़े भाई आए थे यहाँ पे ब्लॉग बनवाने मेरा, और अब वो जा रहे हैं और अभी उनकी वो ये ट्रेन आ चुकी है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयारी में खड़े हैं। अब उनको छोड़ के मैं भी अपना यहीं पर ब्लॉग एंड करता हूँ और थोड़ा मन उदास है मगर क्या करें, भेजना तो पड़ेगा।
कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहना। नई वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक जरूर करना और इनके चैनल को सपोर्ट जरूर करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था 2 दिन का सफ़र हरिद्वार का। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप इसी तरह की ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मंजीत भाई के चैनल को भी सपोर्ट करना क्योंकि वो अभी चंडीगढ़ के ब्लॉगर हैं और अभी नए नए उन्होंने अपना जो है चैनल स्टार्ट किया है। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार से दिल्ली की तरफ, तो मैं मिलूंगा आपको एक नई लोकेशन पे एक नए फूड टेस्टिंग के साथ, साथ में कुछ ट्रैवल करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।